पत्रों में आत्मीयता होती है, वह वार्ता में नहीं। पत्र जब पढ़े जाते हैं तो उनके शब्द जीवंत हो उठते हैं, उन शब्दों की स्मृतियां एवं संवेदना स्थायी बन जाती है। नेगी साहब ने जो समाप्त होते पत्र परंपरा को जो अभियान शुरू किया उसके मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं जन सरोकार मंच टोडा राय सिंह। इनका महत्वपूर्ण योगदान है पत्रों के मार्ग प्रशस्त करने में। तो आप सुनिए प्रकृति का पत्र मानव के नाम। पृथ्वीवासी मेरी प्रिय संतति, सदैव प्रसन्न वदन एवं स्वस्थ रहो। मैं तुम्हारी प्रकृति माँ हूँ। मैं भले तुम्हारी जन्मदात्री माँ की जैसी दिखाई नहीं देती, लेकिन तुम सब मेरे रूपों से ही निर्मित हो। मैं तुम्हें प्रातः के रूप में, सायंकाल में, वन घाटियों में, कलकल करती नदियों में, झरनों में, पक्षियों के चहकने में और न जाने कितने ही मोहक एवं सौंदर्य रूपों में सुखी व प्रसन्न करती। जिस तरह तुम्हारी माँ तुम्हें गर्भ में सुरक्षित, संरक्षित एवं वृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार पृथ्वीवासी समस्त संतति जड़ चेतन को मैं अपने गर्भ में पल्लवित और पोषित करती हूँ। गर्भ के बाहर जैसे तुम्हारी जन्मदात्री तुम्हें जीवन संघर्ष से बचाती है, पोषण प्रदान करती है, ठीक वैसे ही मैं भी समस्त संतति के लिए भोजन, जल, सुरक्षा की व्यवस्था करती हूँ। जिस प्रकार तुम्हारे सदव्यवहार से तुम्हारी जन्मदात्री प्रसन्न होती है एवं दुर्व्यवहार से दुखी होती है, वैसे ही मेरी पीड़ा एवं तुम्हारी जन्मदात्री की पीड़ा एक जैसी है। मैं पृथ्वी जल पावक गगन समीरा, क्षित जल पावक गगन समीरा के वरदान के रूप में तुम्हारे चारों तरफ विद्यमान हूँ। उस परमपिता परमात्मा पुरुष रूप ने मुझे तुम्हारे लिए आशीर्वाद स्वरूप भेजा है। मैं तुम्हें संकटों से बचाने के लिए आवरण रूप में हूँ। जो तुम में चैतन्य है वह पुरुष है, मैं शरीर रूपा हूँ। मुझसे ही तुम्हारा शरीर निर्मित है। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से रचा अधम शरीरा, मेरी अवयवों के द्वारा ही ये सारा संसार निर्मित है। मेरी संतति जिसे आज विज्ञान का युग, आधुनिक युग का विस्फोट, ज्ञान का विस्फोट कह रही है, मेरे प्यारे बच्चों, यह पूर्ण सत्य नहीं है। विज्ञान युग की परिभाषा प्रकृति माँ के शोषण पर और लालच पर आधारित नहीं हो सकती। प्रकृति माँ संपूर्ण संतति का सम्यक रूप से पालन पोषण तो कर सकती है, लेकिन लालच किसी का भी पूरा नहीं कर सकती। मुझे पृथ्वीवासी सभी मनुष्य एक समान प्रिय हैं। वर्तमान में मेरी प्रिय संतति में से मेरे कुछ पुत्र पुत्रियां लालची लोभी हो पुत्र पुत्रियां लालची लोभी हो गए हैं। सुख सुविधाओं के नाम पर एक दूसरे पर आधिपत्य स्थापित करने की इच्छा से मेरा शोषण करते हैं। अंधाधुंध वृक्षों का कर्तन, पृथ्वी का दोहन, विकास के नाम पर पहाड़ों को तोड़े जाना इत्यादि, इन सब का परिणाम है जल, वायु, मृदा प्रदूषण। इससे मेरी सृष्टि का संतुलन डगमगा रहा है। फलस्वरूप पशु एवं मनुष्य जाति में अनेक व्याधियां, महामारियां आती हैं। मेरी संतति बीमारियों से पीड़ित होती है तो मुझे दुख होता है। आजकल कैंसर, चर्म रोग, जलोदर, श्वसन रोग, वात, पित्त, कफ रोग प्रकृति के असंतुलन से ही फैल रहे हैं। कोरोना जैसे वायरस एवं अन्य विश्वव्यापी बीमारियां जैव विविधता की कड़ी टूटने से ही संभव हुई है। प्रकृति माँ के परिवेश में अवांछित मानव जीवों के लिए हानिकारक तत्वों को समाप्त करने हेतु स्वयं एक सुदृढ़ चक्र बना रच रखा है। जीव जीवस्य भोजनम उक्ति के तहत हानिकारक जीवों को खाने वाले जीवों की एक समुचित खाद्य श्रृंखला की प्रकृति में समुचित व्यवस्था कर रखी है। इस श्रृंखला के टूटने से ही रोग उत्पन्न होते हैं, होने से ऋतु चक्र प्रभावित होता है। फलस्वरूप बाढ़, सूखा, तूफान, चक्रवात, भूकंप जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वर्षा एवं फसलों को प्रभावित होने से वनस्पति जगत का संपूर्ण योगदान होता है। वृक्ष पूजा एवं जीव पूजा का हमारे यहाँ विधान है। यह विधान प्रकृति संतुलन के तथ्य को प्रकट करता है। मेरी सबसे अधिक शिकायत मेरी प्रिय संतति भारतवासियों से ही है। परम पुरुष ने इस मेरे भारतवासियों को वेद का विज्ञान प्रदान किया, जिसमें प्रकृति की उपासना के साथ साथ एक उचित जीवन सरणी का विधान बताया गया है। चारों पुरुषार्थ एवं चारों आश्रमों की रचना बताई गई है। मेरे पुत्र पुत्रियों को श्रेष्ठ मानते हुए षड ऋतुएं, नाना फल फूलों वाले कानन प्रदान किए हैं। मेरी इस संतति को आदर्श मानते हुए कहा गया, एतद् देशे पुसुतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षयेन् पृथ्वी सर्वमानवः।
यह नेतृत्व मैंने मेरी प्रिय संतति को दिया। श्रेष्ठ ऋषियों ने माता पृथ्वी पुत्रो अहम कहकर पृथ्वी का संरक्षण करने का उत्तरदायित्व मेरे पुत्रों को सौंपा। मेरी भारत भूमि में जीवेम शरद सतम, बुद्धेम शरद सतम, रोहेम शरद सतम, पूषेण शरद सतम की मैंने कामना की। मैंने सभी पुत्र पुत्रियों को सुखी होने का वरदान दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लेकिन वर्तमान में मुझे मेरी संतति की दीनहीन स्थिति को देखकर अत्यंत पीड़ा होती है। विशुद्ध प्रकृति जीवन के अभाव में मेरी संतति में न ओज रहा, नहीन स्थिति को देखकर अत्यंत पीड़ा होती है। विशुद्ध प्रकृति जीवन के अभाव में मेरी संतति में न ओज रहा, न तेज रहा, न ही इतना बल रहा जिससे कि विश्व का नेतृत्व कर सकें। अंत में मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब से एक ही विनती करती हूँ, मुझे आप आधुनिक ज्ञान विज्ञान से खूब तरक्की करो, लेकिन मेरे स्वास्थ्य एवं मेधा के लिए अपने प्राचीन स्वरूप को ही अपनाओ। आप सभी मेरे प्रति संवेदनशील रहो जिससे मैं अपने संतति का सुख में देख सकूं। तुम सभी विशुद्ध खा सको, अमृत में पानी पी सको, इसलिए खेती बाड़ी के स्वस्थ और स्वास्थ्यवर्धक तरीकों को अपनाएं, दीर्घायु बने। तुम्हारी माँ प्रकृति।